खुशी होगी। और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग सच में ही बहुत अच्छे हों अपनी लाइफ के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप मेरे देश के, अपने देश के फ्यूचर हैं। तो इसीलिए आपकी मदद के लिए मैं यहाँ कुछ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। दरअसल न्यूक्लियस की अगर हम बात करूँ मैं, तो न्यूक्लियस जो है सेल का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। अगर हमें सही से न्यूक्लियस के बारे में पता हो, तो फिर हम ये जान सकते हैं न्यूक्लियस के बारे में पता करके कि कहाँ से जेनेटिक इंफॉर्मेशन और किस तरीके से दूसरे सेलों में चली जाती है। जब ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल में जाती है, तो उस सेल के अंदर एक केमिकल जानकारी दे देती है, और वही केमिकल जानकारी उस सेल को निर्माण में मदद करती है। हमने ये देखा हुआ है कि जितने भी इस दुनिया के अंदर ऑर्गेनिज्म हैं, जीव जंतु हैं, वो अपने पेरेंट से मिलते जुलते होते हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इसलिए है क्योंकि दरअसल पेरेंट के जो शरीर की जानकारी है, पेरेंट के अंदर की जो बॉडी स्ट्रक्चर की जानकारी है, वो सब न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती रहती है, और स्टोर हुई जानकारी फिर दूसरे जो पीढ़ी है उसमें वो चली जाती है, दूसरी सेलों में चली जाती है। तो फिलहाल मैं बात कर रहा था न्यूक्लियस की, तो अभी हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड द प्रिंसिपल सेल ऑर्गेनेल्स। दरअसल आप लोगों को बता दें कि न्यूक्लियस जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एंड प्रिंसिपल सेल ऑर्गेनेल्स है। प्रिंसिपल सेल ऑर्गेनेल का मतलब है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेल का एक हिस्सा है। इट इज फाउंड ओनली इन द यूकेरियोटिक सेल। ये सिर्फ यूकेरियोटिक सेलों के अंदर ही पाया जाता है। इट इज एब्सेंट कंप्लीटली इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, उनमें पूरी तरीके से ये एब्सेंट होता है। पाया किसमें जाता है? यूकेरियोटिक सेल में ये पाया जाता है। बोनस फैक्ट आपको थोड़ा मैं दे दूं यहां पर। तो अभी बोनस फैक्ट बताने से पहले आपको बता दूं कि दरअसल ये न्यूक्लियस है, आपको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है किसका? सेल का। और ये कहाँ एब्सेंट रहता है? प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकेरियोटिक सेल में। अगर आप लोग यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस नहीं जानते, तो मेरे चैनल पर इसकी एक वीडियो पड़ी हुई है, जिसपे आप जाकर के चैनल के अंदर जाकर के आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट से ढूंढ सकते हैं। तो वॉनस फैक्ट क्या है? इन सम यूकेरियोटिक सेल, कुछ यूकेरियोटिक जो सेल हैं, सच एज ह्यूमन आरबीसी, न्यूक्लियस बिकम द डिसअपीयर्ड एट द मैच्योरिटी। दरअसल क्या होता है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता तो है, लेकिन ये कुछ लोगों में मैच्योरिटी आने पर, मैच्योरिटी का मतलब जैसे ही हम अडल्ट हो जाते हैं, तो उन आरबीसी सेल्स का न्यूक्लियस जो होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। अभी आपको ये जानने की जरूरत नहीं क्यों हो जाता है, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल जो आपको ये जानना जरूरी है कि बोनस फैक्ट आपके लिए ये है इसमें कि जो ह्यूमन आरबीसी है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स हैं जो खून के अंदर पाई जाती है, रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर से मैच्योरिटी आने पर, अडल्टनेस आने पर, वो सेलें जो न्यूक्लियस होता है वो उनके अंदर से डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये दरअसल क्या होता है कि न्यूक्लियस जितनी भी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब होता है जो सेल के अंदर रासायनिक क्रियाएं चलती हैं, सेल को जैसे डाइजेशन वगैरह जो सेल के अंदर चलता है, तो वो सारी की सारी रासायनिक क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। सो इट इज अ मास्टर, इसलिए इट इज अ मास्टर कंट्रोलर ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, इसलिए इसको मास्टर कंट्रोलर कहते हैं। सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला जो है वो न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसको मास्टर कंट्रोलर कहा जाता है, वो भी किसका? सेल का। इट इज द सेंटर ऑफ ऑल द सेलुलर एंड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जितनी भी सेलुलर मतलब सेल से संबंधित जितनी भी जानकारी है, एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अनुवांशिक जो जानकारी है, ये सब की सब इसी के अंदर ही स्टोर रहती है। तो इट इज द सेंटर है, ये सेंटर मतलब केंद्र है। इट इज द सेंटर ऑफ ऑल द सेलुलर एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन एज इट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ये अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या रखता है? डीएनए। तो इसलिए इसको जेनेटिक इंफॉर्मेशन का सेंटर भी कहते हैं, केंद्र भी कहते हैं, अनुवांशिक जानकारी का इसे केंद्र कहते हैं। किसको? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में।
तो अब हम देखेंगे न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम यहाँ ये है पढ़ने आपकी वाले हैं द न्यूक्लियस की। पोजीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इन सेल, कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल में किस जगह होता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सेल है हमारे पास में, ये पूरी जो दिखाई दे रही है आपको ये सेल है। सेल के अंदर ये भरा हुआ है, जो ये भरा हुआ है ये आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और यहां पर जो भरा हुआ है, जो दिखाई दे रहा है लिक्विड अंदर जो भरा हुआ है डॉट डॉट में, ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये जो ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है आपको, पूरा बड़ा सा ब्लैक हिस्सा, ये आपका न्यूक्लियोलस है। और यहां पर जो ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, ये बंद है यहां से, और ये बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है, ये जो गैप है आपका, ये डॉट डॉट हैं बड़े बड़े, और यहां पर जो गैप है ये आपका कहलाता है न्यूक्लियर पोर्स कहलाते हैं। न्यूक्लियर पोर्स का मतलब न्यूक्लियर के अंदर मटेरियल आने जाने के लिए ये छेद हैं। ये आपके क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन मास, इनको पढ़ते हैं क्रोमेटिन मास पढ़ते हैं। ये आपका यहां पर दे रखा है सेल मेम्ब्रेन, जो बाहरी जो डार्क जो लेयर है इस तरीके से गोल गोल, जो सेल के ऊपर चढ़ी हुई है, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहां पर ये जो दिखाई दे रही है जो डॉट डॉट से मिलकर के बनी हुई है, और ये डबल जैसी दिखाई दे रही है, ये डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, इस मेम्ब्रेन पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने बहुत छोटे छोटे डॉट्स बनाए हुए हैं, इनको हम कहते हैं रिबोसोम्स। तो रिबोसोम्स जो है यहाँ पर डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो है, जो डबल लेयर मेम्ब्रेन के ऊपर है, उन्हें हम रिबोसोम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके सेल है, और ये सेल में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के पार्ट्स के बारे में पूरी जानकारी है। अब हम जो इनके पार्ट्स के बारे में जो मोर जो बातें हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पोर्स क्या है, क्रोमेटिन मास क्या है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दे दी है न्यूक्लियस की पोजीशन बताने के लिए, स्ट्रक्चर बताने के लिए स्ट्रक्चर मैंने बना दी है। तो इसको आपको ढंग से अपने कॉपी पर ड्रॉ करना है और उसको समझना है, और फिर समझने के बाद में ये चीजें सीखेंगे बाकी जो रह गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखेंगे डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हमें क्या है हमारे पास में वो देखेंगे। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द डबल न्यूक्लियर, डबल वॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दरअसल न्यूक्लियस जो होता है डबल वॉल वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। अभी मैंने इसका जो फिगर बनाया था उसमें आप जो है देख सकते हैं, अगर आपने कॉपी पर ड्रॉ कर लिया है तो वहां से आप देख सकते हैं इसको। तो ये कह रहा है कि न्यूक्लियस क्या होता है, सराउंडेड बाई द डबल वॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस जो होता है वो घिरा रहता है डबल वॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इट्स कंपोजिशन, इसका जो संगठन होता है, इसका जो संगठन, संगठन का मतलब जिन चीजों से मिलकर के इसकी न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है बनी होती है, तो इट्स कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर और संरचना होती है सिमिलर टू दैट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है उसी तरीके से इसका भी कंपोजिशन होता है, उसी तरीके से इसके भी स्ट्रक्चर होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एट द सर्टेन प्लेस है द पोर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक निश्चित स्थान पर पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स, और इन्हीं छेदों को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, मतलब न्यूक्लियस के छेद कहते हैं। थ्रू दीज, इनसे होकर के, थ्रू दीज पोर्स मटेरियल मे बी एक्सचेंज बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इनसे होकर के जो मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंज हो सकता है। एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान हो सकता है। तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म जो बाहर भरा होता है सेल के अंदर, तो उससे होकर के मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जो अगर जाता है न्यूट्रिशन के लिए, तो वो जा पाता है न्यूक्लियर पोर की मदद से जा पाता है। उसके अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लियर पोर्स। तो ये न्यूक्लियर पोर्स की मदद से वो मटेरियल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये था आपका डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो एक किसका ऑर्गेनेल है, न्यूक्लियस का ही एक ऑर्गेनेल है, और इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया और इसका फंक्शन भी बता दिया कि आखिर ये पोर करता क्या है, पोर का काम क्या है। फंक्शन का मतलब होता है कार्य। ठीक है, आगे भी हम देखेंगे। अभी तो हमारे पास है अब क्रोमोसोम्स।
क्रोमोसोम आर द थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम जो होते हैं थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रॉड नहीं होती, उस तरह के स्ट्रक्चर लाइक जैसे होते हैं, विच आर विजिबल एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन। भाई ये बहुत धोखेबाज होते हैं। कैसे? अब आप लोग कहोगे भाई ये कैसे धोखेबाज है, तो सिंपल सी बात है कि ये देखो ना, सेल के अंदर ये छुपे रहते हैं और जैसे ही सेल का डिवीजन हो रहा होता है तुरंत सामने आ जाते हैं। किसके रूप में? क्रोमोसोम्स के रूप में। और छुपे किसके रूप में होते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल्स के रूप में। तो इसलिए मैं इनको धोखेबाज कहता हूँ, किनको भाई? क्रोमोसोम्स को। भाई मैं तो कहूंगा, आप कहो या ना कहो, तो क्रोमोसोम आर द थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच आर विजिबल एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन जब हो रहा होता है उस समय ये विजिबल होते हैं, मतलब ये दिखाई देते हैं। रेस्ट ऑफ टाइम बाकी समय जो होते हैं दे रिमेन डिफ्यूज एंड द डिजॉल्व इनसाइड द न्यूक्लियस। ये डिफ्यूज और एंड डिजॉल्व किसके अंदर? ये छुपे रहते हैं घुली हुई अवस्था में इनसाइड द न्यूक्लियस। किसके रूप में? क्रोमोटिन के रूप में, क्रोमोटिन मटेरियल के रूप में ये अंदर न्यूक्लियस के अंदर बने रहते हैं। और जैसे ही क्या होता है, क्रोमोटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ द डीएनए प्रोटीन, और इन्हीं के अंदर सारी जानकारी होती है, मतलब सेल की जितनी भी केमिकल जानकारी है यही चुराते हैं। तो क्रोमोटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए प्रोटीन, उनके अंदर डीएनए के रूप में और प्रोटीन के रूप में उसके सेल की पूरी केमिकल जानकारी इकट्ठी करते रहते हैं। और इट इज अ विजिबल एज एन इंटेंगल्ड मास ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और इन्हें देखने की कोशिश करो तो जैसे धागा नहीं होता है, उस जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ये पाए जाते हैं। दीज थ्रेड आर इन द फैक्ट डीएनए मॉलिक्यूल। तो यही जो थ्रेड होते हैं वो क्या होते हैं? आपके डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। अब बात करते हैं एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन। देखा मैंने कहा ना, तो एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटेरियल गेट द हाईली द कंडेंस। और जैसे ही सेल डिवीजन शुरू होता है बस अपना काम करना शुरू कर देते, हाईली कंडेंस हो जाते हैं और दिखाई देने लगते हैं। और जैसे ही सेल दूसरी सेलों में टूट करके नई सेल बनाती है, मतलब उसकी तो मौत हो ही गई बेचारी की, तो जब मौत के समय ये दिखाई देते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा धोखेबाज हैं। पूरी जिंदगी उसके अंदर से खाना निकाल कर खाते रहते हैं और बनते रहते हैं खुद, और जब वो सेल मरती है नए सेलों में बनने के लिए उसकी तैयारी होती है, जैसे हमारा नया जन्म होता है उसी तरीके से सेल का भी जब नया जन्म होने की तैयारी होती है मर करके, तब ये सामने आ जाते हैं। तो इस तरीके से क्रोमोसोम्स को मैं कहता हूँ धोखेबाज। तो क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। काम क्या है इनका? सेल की जानकारी चुराना। किसके रूप में? डीएनए और आरएनए की फॉर्म में। तो बात क्लियर हो गई। थैंक यू। तो अब हम पढ़ते हैं बर्ड मीनिंग के बाद में क्रोमोसोम्स के। आप लोग इतने सैड क्यों हैं यार? प्लीज कीप हैप्पी योरसेल्फ, अपने आप को खुश रखिए। अरे पढ़ाई भी तो एक मजाक ही है यार मेरे लिए, प्लीज खुश हो जाइए। पहले मुस्कुराइए। अच्छा ठीक है बाबा, इतना नाराज मत हो, मुस्कुराने के लिए तो बोला था। तो क्रोमोसोम्स के बारे में हम देखते हैं, आपकी डर से पढ़ाना ही पड़ेगा। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? विपरीत। रेस्ट ऑफ टाइम का मतलब होता है बाकी समय। डिजॉल्व्ड इनसाइड, अंदर घुले रहते हैं, घुला हुआ मैं लिख दिया डिजॉल्व का मीनिंग, इनसाइड माने अंदर। इंटेंगल्ड मतलब होता है उलझे हुए, सॉरी मैं आपको हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। कंडेंस्ड का मतलब होता है घनीभूत। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है धागे जैसी संरचना। हाँ पर मैं जानता हूँ स्टूडेंट लाइफ में कहाँ खुशी यार, खैर लेकिन मैं हूँ ना। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर धागे जैसी संरचना, ठीक है। तो ये थे आपके बर्ड मीनिंग, तो आपने बर्ड मीनिंग तो पढ़ लिए, अब प्लीज खुश हो जाइए। वेरी गुड, यू कीप योर सेल्फ हैप्पी। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक में।